और मौवी साहब ने माँ के हवाले से एक बेहतरीन नज्म पढ़ी, आप हजरात महसूस हुए। हजरात, दुनिया में अगर अल्लाह ताला ने इंसान को अगर सबसे बड़ी कोई नेमत अता की है तो वो माँ बाप हैं। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में अल्लाह ने किसी को नेमत नहीं बख्शी, इसलिए हमें चाहिए कि जब हमारे माँ बाप, अगर जिनके माँ बाप जिंदा हों, उनको चाहिए कि उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत करें, उनसे दबी आवाज में बात करें और उनका हर हुक्म बजा लाएं। और जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआए मगफरत करते रहें। और ये कुरान की बहुत एक छोटी आयत है, इसको हर आदमी आसानी से याद कर सकता है, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जिसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह ताला तू हमारे माँ बाप पर इस तरह से रहम कर जैसा कि उन्होंने बचपन में हम पर रहम किया। रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह ताला ने कुरान में ये आयत नाजिल फरमाई है। एक बार मैं बात को समेटते हुए एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के कराम के लश्कर के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में अबहा एक इलाका है सऊदी में, अबहा एक जगह का नाम है, पहाड़ियों का इलाका है। उसी अबहा की पहाड़ियों में अल्लाह के रसूल की माँ यानी बीबी आमिना की कब्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लश्कर के साथ जा रहे थे, रास्ते में उनकी माँ की कब्र नजर आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र के पास दो जानू बैठ गए जैसे नमाज में बैठते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठने के बाद घंटों जारों कतार रोए, और रो करके जब चुप हुए तो सहाबा किराम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं ऐसी अपनी माँ की ऐसी खिदमत करता कि मैं ऐशा की नमाज के मसल्ले पर होता और मैं सूरह फातिहा शुरू कर चुका होता, और पीछे से मेरी माँ कहती बेटा मोहम्मद, तो मैं अपनी माँ के लिए नमाज की नीयत तोड़ देता और मैं कहता अम्मी जान मैं हाजिर हूँ। इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह के रसूल ने माँ का बयान फरमाया है। आप हजरात को इस बात से इबरत हासिल करनी चाहिए, इस बात से नसीहत हासिल करनी चाहिए।